धमाकेदार खबर लेके आए हैं। एक ऐसी जगह है जहां आप अयोध्या में होली का आनंद ले सकते हैं। ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं आप, ये अयोध्या के मंदिर की सीढ़ियां हैं। आप बाखूबी से हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। कान्हा जी के दरबार में खड़े हुए हैं और ये चीज पूरी की पूरी थर्माकोल की बनी हुई है। आप सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर कलाकारी कैसे और किसने की, ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं MSS में। आज हम फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और धमाकेदार खबर लेके आए हैं। आपको हम आज दिखाएंगे कि इटावा में भी एक ऐसी जगह है जहां आप अयोध्या में होने का आनंद ले सकते हैं। हाँ, आइए हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके चलते हैं जहां आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे और राम मंदिर, जो राम मंदिर है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी अपने इटावा में। ये हम लोग राम मंदिर में और जो मथुरा के कान्हा जी हैं उनके यहाँ पहुँच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम कान्हा जी के दरबार में खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है। आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि जो पूरी कलाकारी आप देख रहे हैं, इस खूबसूरत मंदिर को देख रहे हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग से और पूरे मंदिर का सीन दिखाइए सभी दर्शकों को। जो आप देख रहे हैं ये चीज़, और ये चीज़ पूरी की पूरी थर्माकोल की बनी हुई है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत मंदिर किस तरह, आप जो बिहारी जी देख रहे हैं हमारे पीछे, और ये पूरे के पूरे थर्माकोल के बने हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर कलाकारी कैसे और किसने की, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए पूरी खबर को आइए अब हम लेके चलते हैं आपको अयोध्या के राम मंदिर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग अयोध्या के राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं आप, ये अयोध्या के मंदिर की सीढ़ियां हैं। आप बाखूबी से हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे जो इटावा में है, राम मंदिर। जैसा कि यहाँ स्टार्टिंग से कैमरामैन जी दिखाइए और पूरा बारीकी से दिखाइएगा कि किस तरीके से जो मंदिर को बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक भी मिस्टेक नहीं है कहीं। जैसा राम मंदिर है बिल्कुल सेम, उसकी कॉपी कह सकते हैं हम लोग, वो इटावा में मौजूद है। और देखिए आप हमारे पीछे, वाव कितना खूबसूरत है। और सभी लोगों से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं एक बार इटावा ज़रूर आइएगा और आप राम मंदिर को एक बार ज़रूर देखिएगा। जो आपको राम मंदिर दिखाया और जो कृष्ण जी के, बिहारी जी के दर्शन कराए, जैसे मथुरा में होने का आभास कराया है, और वो उस व्यक्ति के साथ में हैं हम जिन्होंने इतनी खूबसूरती से उस एक, हमने आपको वो पेंटिंग भी दिखाई थी विवेकानंद जी की, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और वो व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को स्वयं बनाया है, उस राम मंदिर को इटावा में लाया है। वो शायद ही वो पहले व्यक्ति होंगे जो राम मंदिर को इटावा में लाए हैं अयोध्या से। आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसे सोचा उन्होंने राम मंदिर को इटावा में लाने का, बिहारी जी को इटावा में लाने का। क्या नाम है सर आपका? केशवानंद। केशव जी, जैसे कि आपने जो राम मंदिर अयोध्या से इटावा लाए हैं, कैसे आपके माइंड में आया ये सब? इसके तो सीधे प्रेरणा स्रोत जो हैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर आनंद जी, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे विद्यालय में भी जो है एक अयोध्या का जब सिलसिला शुरू हुआ तो राम मंदिर का एक मॉडल तैयार किया जाए, तो वहीं से जी। ऐसे कि हमने जो दिखाया अपने दर्शकों को, जो हमारे फ्रेंड लोग देख रहे हैं, वो सर कितने कितना टाइम लगा, क्योंकि उसमें सर इतनी बारीकी से आपने चीज़ को बनाया, मंदिर को बनाया है कि कहीं भी मुझे मिस्टेक नहीं लग रहा है। तो वो सर किस चीज़ का बना हुआ है? वो थर्माकोल पे बना हुआ है। थर्माकोल से इतना खूबसूरत
बना हुआ है, थर्मोकोल पे बन जाता। कितना टाइम लग गया था उसको आपको बनाने में? 25 दिन लगे थे कंटिन्यू। ओनली सिर्फ 25 दिन? इतना खूबसूरत जब आपने बनाया है, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो देखा वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि अयोध्या में जो राम मंदिर है और जो इटावा में राम मंदिर आप लाए हैं, बिल्कुल सेम है सर जी। बिल्कुल। तो अच्छा, आपको जो राम मंदिर आपने बनाया उसमें किन किन लोगों का योगदान आपका महत्वपूर्ण रहा? सबसे बड़ा तो योगदान हमारे प्रिंसिपल सर का है, जो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक मॉडल होना चाहिए हमारे विद्यालय में जी, तो वहीं से सारी शुरुआत हुई। तो सिर्फ आपने उसमें जो कार्य किया है सिर्फ आपने किया है या समस्त स्टाफ ने किया है या कुछ बच्चों का भी योगदान रहा? नहीं, बच्चों का भी योगदान रहा है, क्योंकि कोई भी जब वर्क होता है तो जब सामूहिक नहीं होगा तो फिर वो सक्सेस नहीं होता है जी। समूह का होना बहुत जरूरी है। समूह का, जैसे कि हमने एक आपके जो विद्यालय है, कोई कौन सी जगह है, अगर जो हमारे फ्रेंड लोग देख रहे हैं वो अगर आपके इस राम मंदिर को और जो बिहारी जी के जो इटावा में हैं उनके दर्शन करना चाहें तो वो कहाँ आए? संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, संत विवेकानंद कॉलेज में जो इटावा में है वहाँ आप राम मंदिर को देख पाएंगे। अच्छा, जो हम पास में देख रहे थे राम मंदिर के पास में जो बिहारी जी का भी एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, वो सर कैसे आपने उसको बनाया? वो हमारे यहाँ जन्माष्टमी का रहता है प्रोग्राम, और हमारे जो सर हैं वो बिहारी जी के बड़े भक्त हैं जी, तो उन्हीं के आदेश से। अच्छा, उन्हीं के आदेश से। कितना टाइम लग गया था उसको बनाने में सर? उसमें भी लगभग 15 डेज के आसपास लग गए। 15 डेज के आसपास। तो सर, इसको आपने कितने टाइम पहले बनाया था? क्योंकि जो हम लोगों ने देखा तो ऐसा लग रहा है कि आपने अभी बनाया हो, क्योंकि जो उसकी खूबसूरती की बात करें और उसकी कलाकारी की बात करें, एक एक चीज़ बारीक से है। तो कितना टाइम हो गया उसको मंदिर को बनाए हुए? ये मंदिर जो है, जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद जो थोड़े दिन के लिए खोल दिया गया था, फिर सेकेंड वेव शुरू हुई थी, उसके मिडिल टाइम में ही बना था ये जी। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 2022 से पहले 2018 में बना था या कौन सी सन में बना था? हाँ, ये 18 के आसपास ही बना था, 18 में समथिंग, 18-19 के बीच में। तो जो बच्चे लोग स्कूल में आते होंगे, पूजा पूजा भी करते होंगे, तो और उसमें भी सर किन किन लोगों का योगदान रहा? क्योंकि इतनी खूबसूरती से बनाया जो है आपने उसको, मैं तो और मेरे दर्शक भी जो देख रहे हैं, शायद तो हमारे पास वो शब्द नहीं है कि जिनसे हम आपके और आपके स्टाफ की तारीफ़ कर पाएं, क्योंकि इतना खूबसूरत बना है। और जो हम एक पेंटिंग की बात कर लेते, जो आपने बताया जा रहा है कि आपने बनाई है विवेकानंद जी की, तो वो सर कैसे आपको सोचा आपने और कैसे बनाई सर उसको? उसके लिए तो सर विवेकानंद स्कूल का नाम है, तो विवेकानंद की प्रतिमा का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए। तो सर, जो अगर हम लोगों ने जो देखा इतनी खूबसूरती से वो पेंटिंग बनी हुई है, कहीं पे भी जरा सा भी मिस्टेक नहीं है, तो उसमें सर कितना टाइम लग गया था बनाने में? उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, उसमें लगभग 45 डेज लगे थे। ओनली सर 45 डेज? सर ये जो जितनी बड़ी पेंटिंग है और जितनी खूबसूरती से बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है। जितनी आपने इतने कम समय में इतना सुंदर काम किया है। और सर, एक बात और हमारी आपसे है, जैसे कि जो आपने पेंटिंग बनाई है विवेकानंद जी की, तो मतलब आपके स्टाफ में और बच्चों में इसमें भी किसी का योगदान रहा या आपने सेल्फ बनाई? बच्चों का भी योगदान रहा है, और एक रमा तिवारी थी पहले यहाँ पे, उनका भी योगदान रहा है। आपको जो पेंटिंग बनाई है उसमें? हाँ। तो सर, आप हमारे चैनल के जरिए जो हमारे फ्रेंड और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा सोचें, बहकावों में ना जाएं। और मैं तो सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि जो अयोध्या में राम मंदिर है वहाँ सभी लोग जाते, एक बार इटावा के राम मंदिर में ज़रूर आएं। बिहारी जी का मंदिर है जो मथुरा में जाते हैं लोग, एक बार इटावा में भी ज़रूर आएं। और जो विवेकानंद जी की हमने जैसे कि आपको तस्वीर दिखाई, शायद कोई पेंटर ऐसी बना पाए। मैं निशा, आप देखते रहिए MSS न्यूज़। नमस्कार।